नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। असम नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत, पीएम मोदी ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को दी बधाई। कांग्रेस का दावा, पीएम मोदी के भाषण से नाराज है जम्मू कश्मीर के लोग, पीएम ने नहीं किया राज्य का दर्जा या विधानसभा चुनावों का जिक्र। अटारी बॉर्डर पर करीब 700 करोड़ रुपए की 102 किलो हेरोइन जब्त, मुलेठी की खेप से बरामद। हनुमान चालीसा विवाद में आम आदमी पार्टी ने भी मारी एंट्री, ट्विटर को बनाया मंच। शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान अब अपने बेहतर कामों को करेगा साझा, यूजीसी ने उठाया एक और अहम कदम। अमेठी में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, एसओजी प्रभारी के हाथ में लगी गोली। गोरखनाथ मंदिर में योगी के निर्देश का असर, बाहर से अंदर किए गए लाउडस्पीकर, मानक से भी कम की गई आवाज। प्रयागराज सामूहिक हत्याकांड में एक लौते बचे सदस्य ने पत्नी के आशिक पर जताया शक, कहा दी थी हत्या की धमकी। सीएम योगी से मिले राजपाल यादव, और निर्हुआ आजमगढ़ के मुद्दे पर सौंपा मास्टर प्लान। फिरोजाबाद में कारतूस सप्लायर ने उगले राज, कई सालों से दे रहा था सप्लाई, आरोपी के पिता की है शस्त्र की दुकान। श्रीलंका में सड़कों पर जनसैलाब, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का आवास घेरा, राजपक्षे के इस्तीफे की मांग। इमैनुअल मैक्रो फिर चुने गए फ्रांस के राष्ट्रपति, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन सवार पर फ्रांसीसी पुलिस ने की फायरिंग, 2 लोगों की मौत। दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को विश्व भर के नेताओं ने दी बधाई। अफगानिस्तान में बच्चों के साथ हो रही हिंसा पर यूनिसेफ ने जताई चिंता। मुंबई को मिली लगातार 8वीं हार, केएल राहुल के सामने रोहित शर्मा हुए फ्लॉप। जीत के बाद केएल राहुल को लगा झटका, स्लो ओवर रेट के कारण भारी जुर्माना। आईपीएल 2022 में प्लेऑफ की दौड़ के बाहर होने वाली पहली टीम बनी रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस, लगातार 8 मैचों में मिली हार। केएल राहुल ने गेल, वार्नर और कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। केएल राहुल ने मुंबई के खिलाफ लगाया आईपीएल 2022 का दूसरा शतक, दोनों मैचों में बनाया नाबाद 103 रन। KGF2 की सुनामी में उड़ी जर्सी, पहले वीकेंड पर KGF2 ने 25 करोड़ और जर्सी ने सिर्फ 1 करोड़ कमाए। सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल से बाहर हो गए थे अरिजीत सिंह, फिर बन गए बेहतरीन गायक। आज है अरिजीत सिंह का जन्मदिन। प्रतीक गांधी ने मुंबई पुलिस पर लगाया अपमानित करने का आरोप, कहा मुझे कंधे से पकड़कर खींचा। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीर हुई वायरल, परिवार के साथ किया एंजॉय।
आचार्य के प्री रिलीज इवेंट में चिरंजीवी रामचरण का जलवा, राजामौली ने भी की शिरकत। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।